लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने आज थाने में वारकरी भवन का लोकार्पण किया। इस भवन की संकल्पना सांसद राजन विचारे ने तैयार की थी, जिसके बाद थाने महानगर पालिका ने इसका निर्माण किया था। हालांकि 10 वर्षों से इसका हस्तांतरण नहीं हो सका था, जो अब पूरा हुआ है। आषाढ़ी एकादशी पर पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने इस भवन का उद्घाटन करते हुए इसे वारकरियों के लिए अनूठी सौगात बताया। इस अवसर पर सैकड़ों वारकरियों के साथ खुद मंत्री और सांसद ने भी भगवान विट्ठल की पालकी उठाई और शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। देखिए रिपोर्ट। आषाढ़ी एकादशी के पर्व पर आज पूरा थाने शहर जय हरि विट्ठल के भजन कीर्तन और गूंज से भक्तिमय नजर आया। पंढरपुर की तरह यहां वारकरियों ने भगवान विट्ठल रुक्मिणी की पालखी निकाली, जिसे स्वयं पालक मंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद राजन विचारे ने कंधे पर उठाते हुए शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। इससे पहले नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने सांसद राजन विचारे की संकल्पना और थाने मनपा द्वारा निर्मित वारकरी भवन का लोकार्पण किया। 10 वर्षों से वारकरी भवन हस्तांतरण की प्रतीक्षा में था, जिसे आज मंत्री ने पूरा कर दिया। इस दौरान शहर में भव्य पालखी यात्रा निकाली गई, जिसमें इगतपुरी के महामठाधीश गुरुवर्य माधव महाराज घुले के नेतृत्व में कीर्तन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महापौर नरेश महस्के समेत कई शिवसेना नेता और पदाधिकारी भी मौजूद थे। पालक मंत्री ने वारकरियों के प्रति अपनी भावनाएँ व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना के कारण पंढरपुर नहीं जाने का दुख है, लेकिन यहाँ जिस तरह वारकरी संत श्रद्धालुओं का भजन कीर्तन चला, वह भगवान विट्ठल के दर्शन से भक्तिभावित करने वाला है। कायम राखण्याचं काम या वारकरी संप्रदायाने केलेलं आहे। आज अतिशय आनंदाचा दिवस आहे। आषाढी एकादशीच्या दिवशी आज वारकरी भवनाचं उद्घाटन झालेलं आहे, लोकार्पण झालेलं आहे। या ठिकाणी ठाण्यातले तमाम वारकरी संप्रदायाचे लोक या वारकरी भवनाचं या ठिकाणी घरकाम सप्ताह असेल, पांडुरंगाचे नामस्मरण असेल, अशा सर्वच कामासाठी एकत्र येईल आणि महाराष्ट्रामध्ये वारकरी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे, आमच्या ठाण्यामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आहे आणि ह्यासाठी वारकरी भवन व्हावं अशी आमचे धर्मवीर आनंदिगे साहेबांची इच्छा होती आणि ती इच्छा आज पूर्ण झालेली आहे। 2007 हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शुभ हस्ते याचं भूमिपूजन झालं। 2012 आदरणीय आत्ताचे मुख्यमंत्री आणि त्यावेळचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेब यांच्या हस्ते लोकार्पण झालं होतं, परंतु काही कारणांमुळे ही वास्तू आपल्या ताब्यात मिळाली नव्हती आणि आज तो आनंदाचा क्षण आज आलेला आहे। आज संपूर्ण वारकरी संप्रदाय या ठाणे शहरामधले सर्व एकत्रित होऊन या वास्तूचं लोकार्पण या ठिकाणी होत आहे। मी खास करून पालकमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब असतील, आमच्या आदरणीय महापौर असतील आणि या सर्वांना धन्यवाद देतो की या ठाणे शहरामध्ये हे वारकरी भवन व्हावं ही सर्वांची इच्छा होती आणि आमच्या धर्मवीरांची इच्छा होती आणि ती इच्छा आज पूर्ण झालेली आहे। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।